सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज नितिन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको ऐसी दो चीज़ें बताने वाला हूँ, अगर आप जिनको प्रॉपर यूज़ करते हैं ना, तो आपको स्किन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। अगर आपकी स्किन डार्क हो चुकी है किसी वजह से और आपकी स्किन में बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, तो ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। आपकी स्किन क्लियर, ग्लोइंग और फेयर होने लगेगी अगर आप इसको प्रॉपर यूज़ करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपके लिप्स जो हैं वो हैं डार्क हो चुके हैं, सो आपके डार्क लिप्स को भी ये चीज़ एकदम फिक्स कर देगी और आपके डार्क लिप्स वापस से पिंक हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या आपकी हेयर ग्रो नहीं होते फास्ट, और इसी के साथ साथ अगर आपको थिक हेयर चाहिए, सो ये चीज़ भी इससे पॉसिबल है। सो प्रॉपर तरीके से इसे कैसे यूज़ करना है तो मैं बताऊँगा आज की इस वीडियो में, तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैं किन प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो वो है ये, देख सकते हैं, ये एवियन की 400 mg की विटामिन ई की कैप्सूल है, और ये जो है ये है विटामिन सी की टैबलेट। सो इन दो चीज़ों की मदद से आप अपने फेस को क्लियर, ग्लोइंग और फेयर बना सकते हैं और अपने हेयर्स की हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। सो इन दो चीज़ों की बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ई की। सो विटामिन ई जो है वो काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है यार, काफ़ी सारी क्रीम्स में भी विटामिन ई यूज़ होता है। सो अगर आपकी भी स्किन में ग्लो नहीं है यार, बिल्कुल आपकी स्किन डार्क हो रही है धीरे धीरे, और इसी के साथ साथ अगर आपके फेस पर पिंपल हैं तो उनको आपको दूर करना है, तो इस विटामिन ई से ज़्यादा बेनिफिट आपको कोई चीज़ नहीं देगी, वो भी इतने कम प्राइस में। सो 30 रुपये में इसकी 10 टैबलेट आपको मिल जाएगी किसी भी केमिस्ट शॉप पे, सो वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हैं, आपको हर जगह ये अवेलेबल हो जाएगी। कई लोगों को इस विटामिन ई के बारे में पता है, वो इसको यूज़ भी करते होंगे, पर मैं आपको बेस्ट तरीका बताने जा रहा हूँ इसको यूज़ करने का, जिससे आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। सो आपको करना क्या है, जब भी आप इसको यूज़ करेंगे ना, तो यार आपको इसको यूज़ तो एक मैं बता दूँ, कभी भी जब आप यूवी रेज में जाएंगे ना, मतलब कि बाहर जाएंगे धूप में, तो इसको लगा के कभी नहीं जाना यार, रिएक्शन हो सकता है आपकी स्किन में। सो सबसे अच्छा तरीका होगा कि जब भी आप रात को सोते हैं ना, उससे पहले आपको फेस वॉश करना है, और फेस वॉश करने के बाद जो भी आप क्रीम लगाते हैं या कोई मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं ना, तो सो उस मॉइस्चराइजर के साथ इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता दूँ, आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेंगे अपने फेस के हिसाब से, और इसकी जो कैप्सूल है उसको पंचर करेंगे, और इसके अंदर से जो विटामिन ई का ऑयल निकलता है आप उसे मिक्स करेंगे अपनी फेयरनेस क्रीम या जो भी आप मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं उसमें। सो इस तरीके से अगर आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे ना, कुछ दिनों में ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, आपकी स्किन लाइटन होने लगेगी, आपके जो एक्ने मार्क्स हैं वो गायब होने लगेंगे, और इसी के साथ साथ आपको स्किन जो है वो थोड़ी फेयर होने लगेगी। और गाइस, अगर किसी वजह से आपके लिप्स जो हैं वो डार्क हो चुके हैं स्मोकिंग करने की वजह से या किसी भी वजह से, सो आप उनको भी लाइटन कर सकते हैं, आपके जो लिप्स हैं उनको ओरिजिनल टोन में ला सकते हैं विटामिन ई के ऑयल को यूज़ करके। सो ऐसे ही आपको इस कैप्सूल की 1-2 बूंद हर रात को सोने से पहले अपने लिप्स में अच्छे से लगा लेनी है, और अच्छे से इसको मसाज करते हुए अपने लिप्स में अराउंड 1 मिनट के लिए आपको रब करना है, और उसके बाद सो जाना है। सो ऐसे अगर आप कुछ दिनों तक करेंगे ना, अराउंड 15 से 20 दिनों के अंदर आपके लिप्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, और आपका जो कलर ओरिजिनल है वो वापस आने लगेगा। सो ये जो टैबलेट है कम प्राइस में सबसे बेस्ट है आपकी स्किन के लिए। सो विटामिन ई के कैप्सूल को यूज़ करके आप हेयर ग्रोथ को कैसे फास्ट कर सकते हैं, अपने हेयर्स को कैसे थिक कर सकते हैं, सो वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन सी के बारे में। सो गाइस, आपने देखा होगा काफ़ी सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट जो मार्केट में आते हैं, उनके अंदर विटामिन सी यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा। एंटी एजिंग के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपकी स्किन से एक्ने मार्क्स को रिमूव करने के लिए, फेड करने के लिए विटामिन सी यूज़ होता है, और इसी के साथ साथ हेल्थ के भी इसके काफ़ी सारे बेनिफिट है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा एंटी ऑक्सीडेंट है, तो ये आपकी स्किन के लिए भी कमाल का वर्क करता है। आपको जो यूज़ करनी है वो है लिम्सी की 500 mg की टैबलेट, जो इनफ है आपके लिए यार, 500 mg एक दिन के लिए बहुत होता है। मैं पर्सनली यार डेली बेसिस पे लिम्सी ही यूज़ करता हूँ, बट अभी उसका स्टॉक नहीं था, मैं गया था केमिस्ट शॉप पे तो मुझे यही मिली थी, ये ULS की विटामिन सी है विद जिंक। सो आपको ये नहीं लेनी, ये थोड़ी कॉस्टली पड़ जाती है, मैंने इसको बस ट्राई करने के लिए लिया है। तो आप लिम्सी टैबलेट भी आप परचेस करके रख लेना, अराउंड 30 रुपये में आपको 15 टैबलेट मिल जाएगी, और अगर आप विटामिन ई और विटामिन सी दोनों लेते हैं ना, तो आपकी स्किन में बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट।
सो ऐसे विटामिन सी आपको यूज करनी है। अब बात कर लेते हैं कि विटामिन ई के कैप्सूल को आपको कैसे यूज करना है हेयर ग्रोथ के लिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको हेयर ग्रोथ करनी है बड़ी ही फास्ट और इसी के साथ साथ अगर आपके हेयर थिन है उनको थिक बनाना है तो विटामिन ई की कैप्सूल काफ़ी ज़्यादा कमाल की है उन लोगों के लिए। सो आपको इसको यूज़ कैसे करना है, अगर आप कोई हेयर ऑयल यूज़ करते हैं या हेयर मास्क यूज़ करते हैं सो उसमें आप इस विटामिन ई के कैप्सूल का जो ऑयल है उसको डाल सकते हैं और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हैं और चाहे तो एक दिन छोड़ के एक दिन भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ और अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसको कंज्यूम भी कर सकते हैं, पर डेली बेसिस पे आपको इसको कंज्यूम नहीं करना। दो दिन में एक बार आप इसकी एक टैबलेट को यूज़ करेंगे जो कि इनफ है आपकी बॉडी के लिए। वैसे तो आपकी बॉडी खुद विटामिन ई बनाती है, पर अगर आपको हेयर ग्रोथ करनी है, अपने हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करना है, बूस्ट करना है सो आप इसकी कैप्सूल भी कंज्यूम कर सकते हैं। सो आज का ये वीडियो था विटामिन ई और विटामिन सी के बारे में जिनको नहीं पता था उनके लिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वीडियो से तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।